वेलकम टू माय चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर टू। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी टेस्ट नंबर वन। आइए क्वेश्चन नंबर वन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स। देखो जिस तरह के क्वेश्चन है ना, ये वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स, नागार्जुन वाले थॉट्स, इस तरह में क्या है कि इसको आपको याद होना जरूरी है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इट्स ए बिलीव इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ब्रह्माज एंड इंडेस्ट्रक्टेबल आत्मा। इसमें क्या होता है कि ये वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहता है कि इफ़ अ पर्सन अटेंड द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द ब्रह्मा एंड वुड अचीव द सॉल्वेशन। अगर कोई आदमी एक नॉलेज को अटेंड कर लेता है तो उसे वो खुद अपने आप में ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बन जाता है और सॉल्वेशन मिल जाता है। तो फर्स्ट उसके हिसाब से हमारा सही है, और सॉल्वेशन मिल जाएगा तो इंडस्ट्रेबल एंड एटर्नल हो जाएगा, ये कह रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास सही है। सेकेंड हमारे पास, इट डिनाइज द थ्योरी ऑफ द पुनर्जन्मा ऑफ द रीबर्थ, गलत है। वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर पुनर्जन्मा का कंसेप्ट है, ठीक है। थर्ड पे, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, हमारे पास शंकराचार्य कंसीडर ब्रह्मा टू परसीव द सर्टेन एट्रीब्यूट्स, तो ये गलत है। इसमें रामाचार्य है, इसमें जहाँ पे लिखा है शंकराचार्य, इसका आंसर है यहाँ पर रामाचार्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, वन हुआ। तो फर्स्ट का आंसर हुआ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज तीर्थंकर्स अंडर द जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर में इनमें से कौन सा इनमें तीर्थंकर्स माने जाते हैं? तो पता ही होगा आपको, तीन होते हैं। राइट फेथ होता है, राइट लेवलीहुड नहीं होता, राइट नॉलेज होता है, राइट स्पीच नहीं होता, राइट कंडक्ट होता है। तो इसका आंसर हुआ 1, 3, 5, ठीक है। तो तीन ही है इसके अंदर। अगर आप इसमें आप देखोगे, जैन के अंदर आप जाओगे तो आपको तीन प्रिंसिपल मिलेंगे। फर्स्ट है राइट फेथ, सेकंड है राइट नॉलेज, थर्ड है राइट कंडक्ट। तो इसका आंसर 1, 3, 5 हुआ। तो आंसर हुआ इसका सी, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए आप, तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, ये कुछ अटपटा क्वेश्चन है, ये यादने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डांसिंग फिगर ऑफ द शिवा एज ए नटराज। तो नटराज के जो फिगर है उसके बारे में बताया गया है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना, चोला पीरियड के अंदर ये ब्रोंज स्क्रिप्चर मिला था, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। द राइट लेग इज सरप्राइजिंग इज द अपर सामा द डेमेज ऑफ द इक्विनाइंस, ये सही है। सेकेंड पढ़ते हैं, द लेफ्ट हैंड इज इन द बूजा ग्रहस्था स्टैंड्स विच रिप्रेजेंट द त्रियोभावा विच डैट इज किक अवे द वीली ऑफ द माया एंड इल्यूशन। अब देखो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, इसके अंदर कोई कुछ नई चीज़ है नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, मैं बता दूंगा आपको। थर्ड आंसर इसका, द मेन राइट इज हैंड इन डोला हस्ता कनेक्टेड टू द अभाया हस्ता ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये आंसर गलत है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं। इस्तुबल कन्वेंशन जो भी हुआ था कुछ टाइम पहले, वो किससे रिलेटेड था? वो था, इसका आंसर है इसका, वॉयलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड डोमेस्टिक वॉयलेंस। जो वुमेन्स होती हैं उसके जो उनके लिए जो उनका जो अगेंस्ट वॉयलेंस है उसके लिए एक इस्तुबल कन्वेंशन हुआ था। तो उसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर पाँच पे आते हैं। देखो ये भी फिलोसफी के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर पाँच में आप आओगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द योगा स्कूल ऑफ द फिलोसफी। योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट है, इट बिलीव दैट ह्यूमन बींग कैन अचीव साल्वेशन बाय कंबाइनिंग द मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ द योगा टेक्निक्स, सही है। तो ये कहता है, इट इज़ आर्ग्यू दैट द टेक्निक्स लीड टू रिलीज द पुरुषा फ्रॉम द प्राकृतिक एंड वुड इवेंचुअली लीड द साल्वेशन। कह रहा है कि टेक्निक मिलेगी तो आपको एक पुरुषा मिलेगी प्राकृतिक से और आपको सॉल्वेशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सॉल्वेशन बाय द कंबाइनिंग द मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगा टेक्निक्स। तो अगर आप देखो तो कमारो तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे इसका आंसर। तो पांचवे का आंसर है सी। देखो इस तरह क्वेश्चन करना थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी बेसिक नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो फर्स्ट है, बुद्धा रिजेक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गलत है। कभी बुद्धा ने एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिजेक्ट नहीं किया है, ना तो एक्सेप्ट करा है ना ही बोला है, उन्होंने गॉड के नाम पे कुछ नहीं बोला था। तो आंसर फर्स्ट तो गलत हो गया। बुद्धा टोल्ड द सोल डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। बुद्धा लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ द कर्मा, ये भी सही है। तो आंसर सेकंड एंड थर्ड आंसर हुआ, छठे का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर सातवें पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द गोमतेश्वरा। तो इट इज़ अ ग्रेनाइट स्टेटस ऑफ द लॉर्ड महावीर नहीं है, लॉर्ड बाहुबली है पहली बात। तो फर्स्ट वहाँ गलत हुआ। एंड इट इज़ अ वर्ल्ड टोलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गोमतेश्वर वाला। तो सेकंड हमारे पास सही है। थर्ड है, इट वॉज अ कमीशनड बाय द चामुंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गंगा किंग ऑफ द मैसूर। मैसूर के जो प्राइम मिनिस्टर है चामुंडिया है, उसने बनवाया था ये, ठीक है। लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति थी और ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है टोलेस्ट है, मोनोलिथिक फ्री स्ट्रक्चर के अंदर।
तो आंसर हुआ इसका 2 और 3, सात्विक आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। तो नेशनल कमीशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बना है उसके अंदर, फर्स्ट इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गलत है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात ये कि चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, फॉर 5 ईयर, गलत है, 3 ईयर। द मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ओनली द 3 ईयर्स, नॉट फॉर द 5 ईयर। एंड इट इज़ आल्सो वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। सिंपल है, तो तुक्का मारोगे तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर हुआ थर्ड, मतलब आठवें का आंसर हुआ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो अभी दोबारा यही आ गया, लोग आया था स्कूल ऑफ द फिलोसफी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द चरकोवा स्कूल ऑफ फिलोसफी या लोग आया था स्कूल ऑफ द फिलोसफी। मैन इज़ द सेंटर, ये क्या कह रहा है कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द फिलोसफी एंड ही शुड इन्जॉय हिमसेल्फ एज लॉन्ग एज लीव। सही है, तो लोको याता स्कूल में कहा गया है कि जो भी आदमी है वो इन्जॉय जब तक करेगा जब उसका मन चाह रहा है, ठीक है। इसने ये बोला है इसके अंदर कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द फिलोसफी, जो मैन है वो हर फिलोसफी का एक सेंटर है और वो उसको इन्जॉय करता है, ये वाली बात हुई इसके अंदर। सेकेंड है हमारे पास कि कपाला लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल। इस स्कूल को बनाने के लिए कपाला नहीं है इसके अंदर, एक है अलग, कपाला तो नहीं है इसके अंदर। चलिए इट सेकंड हमारा गलत हुआ, कपाला नहीं है इसके अंदर, इट आर्ग्यूड, कपाला ने नहीं बनाया था। इट आर्ग्यूड फॉर कंप्लीट द डिसएग्रीड फॉर एनी वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाज इनहेबिटेड बाय द पर्सन, ये भी सही है। तो उसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ द बौद्धिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर बौद्धिज्म को ख़त्म करने में कौन कौन से कारण थे। द रिवीलिंग ऑफ द ब्रह्मनिज्म एंड राइजिंग द भगवतिज्म, सही है कि भाई ब्रह्मनिज्म का बढ़ना हुआ और भगवतिज्म बढ़ा, उसके वजह से डिक्लाइन हुआ थोड़ा बौद्धिज्म। और सेकेंड हमारे पास बौद्धिस्ट बिगेन द अडोप्ट द संस्कृत एंड लैंग्वेज टू द लाइट, हाँ अपने संस्कृत लैंग्वेज अडोप्ट कर ली थी, जो उनके पहले लैंग्वेज से प्राकृतिक वो लूज हो गई अपना बेसिक इनका। द प्रैक्टिस ऑफ द आइडल वर्कशिप, और इन्होंने आइडल वर्कशिप स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आंसर देखेंगे तो आंसर उसके डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेताया वर द रेसिडेंशियल हॉल फॉर द बौद्धिस्ट एंड जैन मोंक, गलत है। जो चेताया होता है वो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल चैम्बर होता है जिसकी ना फ्लैट रूफ होती है और यहाँ पर लोग बैठ के पूजा करते हैं, ठीक है। विहारा जो होता है वो जगह है जहाँ पर जैसे रेन के टाइम पे, जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे बौद्धिस्ट और जैन मोंक वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट या करते थे। तो विहारा में जो लिखा है वो चेताया का लिखा है, जो चेताया में लिखा है वो विहारा का लिखा है। तो उसका आंसर हुआ डी, बहुत गलत, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नागर सागर सिरी सलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नागर सलम सिरी सागर टाइगर रिजर्व का पता होना चाहिए आपको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, पहली बात। तो फर्स्ट जो लिखा है द रिजर्व इज स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ओनली, तो फर्स्ट सही हो गया। सेकंड पे चलते हैं, कृष्णा रिवर कट्स इट्स बेसिन थ्रू द रिजर्व, सही है। तो आपको नागार्जुना सागर सिला सिलम टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात आती है तो आपको दो बात याद रखनी है। पहली बात, जो ये रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में फैला हुआ है। दूसरी बात है कि वहाँ पर कृष्णा रिवर बहती है, ठीक है। तो 12वें का आंसर हुआ सी, बोथ 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सिनेमा के बारे में, ये इसको पढ़ते हैं। अच्छा, तो पहला है कि द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म वाज द अलमा आरा, ये सही है, अलमा आरा है पहली जो टॉकिंग फिल्म थी। अच्छा, विच प्रोड्यूस बाय दादा साहब फूलके, दादा साहब फूलके ने बोली ये आदर्शानी ईरानी ने बनाई थी, है ना। तो दादा भाई फूलके नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए अर्धशारी ईरानी, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, द इन्फोर्स ऑफ, फर्स्ट तो गलत हो गया, द इन्फोर्समेंट ऑफ द सेंसरशिप लाइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इन्फोर्समेंट ऑफ सेंसरशिप जो लाई होती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सेकंड हमारा गलत हुआ, फर्स्ट हमारा गलत हो गया। ऑल द फिल्म आर डब्ड फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज गेट द फ्रेश सर्टिफिकेशन, तो सही है, जब कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में जाती है तो सर्टिफिकेशन नया रिलीज होता है। तो 13वें का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट गलत हुआ, सेकंड गलत हुआ, थर्ड सही हुआ, तो आंसर हुआ 13वें का सी।
द क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बड़ा अजीब सा है, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल क्रॉनिकल फ्रॉम द अर्लियर टू द लेटेस्ट, ठीक है, पहले से लेकर लास्ट तक कौन सा टेम्पल बना, तो उसका आंसर है सी 2413। ये अब आप अच्छी तरह याद कर ले रहे अपने हिसाब से, दुर्गा है, फिर हमारे पास विरूपक्ष का है, फिर हमारा लक्ष्मणा है, फिर अनंतना है, ठीक है। चलिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, देखो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जब बात चलती है ना, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या होता है कि इसमें अलग क्या है। मथुरा स्कूल आर्ट पहली बात तो तुम्हें बता दूँ कि ना ये रिवर ऑफ यमुना के बैंक है वहाँ पर पब्लिश हुई थी, फ्लरिश हुई थी। दूसरी बात क्या है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर तीनों स्टोरी बताई गई हैं, बौद्धिज्म की भी, हिंदुज़म की भी और जैनिज्म की भी, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर कोई भी जो चीज़ है जिसको दिखाया गया है ना, वो बड़े ना सिम्बोलिज्म वे में दिखाया गया है। तो पहला पढ़ते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ शोर द स्ट्राइकिंग द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन द इमेज, इमेज एक बड़ी सी इमेज दिखाई गई है। फर्स्ट तो सही है हमारे पास, सेकंड है द हेल अराउंड द हेड ऑफ द बुद्धा इज स्मॉलर देन द गंधारा स्कूल, गलत है। जो बुद्धा के जब सिर के पीछे जो एक सूरज दिखाया गया है वो मथुरा आर्ट के अंदर बड़ा दिखाया गया गंधारा आर्ट से, ठीक है। तो सेकंड तो गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, द स्कल्पचर्स ऑफ द मथुरा आर्ट वर इज द रेड सैंड, हाँ सही है, ये जो मथुरा स्कूल के अंदर जो बने हुए हैं वो रेड सैंड स्टोन से बने हुए हैं। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर मैंने क्या बताया आपको, पहली बात तो बताया कि तीनों रिलीजन को फॉलो करता है, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म। तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो भी इस इमेज दिखाई है बड़ी सिंबोलिज्म में दिखाई गई है। चौथी बात यह है कि यहाँ पर रेड सैंड स्टोन यूज़ किया गया है। पांचवी बात यह है कि बुद्धा के जो चारों तरफ जो हिल बनाया गया वो गांधीयार स्कूल से बड़ा था, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि बुद्धा जो है अच्छे मूड में, इसके इनके अंदर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखोगे तो बुद्धा शो द गुड मूड विद द स्माइलिंग फेस, ठीक है, ये बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। FCRA के बारे में बात चलती है तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है ये, होम मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेनर कंट्रीब्यूशन, सही है कि जो पॉलिटिकल नेचर वाले नहीं कर सकते। देखो फॉरेनर कंट्रीब्यूशन एक्ट में कौन कौन से नहीं कर सकते, देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये MLA हैं, MP हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एडिटर हैं, जो 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 प्रिंटर हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो किताबें निकालते हैं, पब्लिशर हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले, ये तरह के जो लोग होते हैं इनको फॉरेनर कंट्रीब्यूशन से पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अंडर द एक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेनर एक्ट, सही है, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिशर ऑफ द रिगार्डिंग न्यूज़पेपर कैन एक्सेप्ट फॉरेनर कंट्रीब्यूशन, गलत है। देखो मैंने अभी क्या बताया, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो या पब्लिशर या पॉलिटिकल पार्टी हो ये नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर सिर्फ हुआ ओनली सेकेंड आंसर हुआ, तो उसका आंसर हुआ ए, है ना, ओनली टू। चलिए 17 में चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सर्कस, इंडियन सर्कस से रिगार्डिंग आप देखो ये बात को, तो ये क्या कह रहा है कि ग्रेट इंडियन सर्कस वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन सर्कस फाउंडेड बाय द विष्णुपंत छत्रे, तो ठीक है विष्णुपंत छत्रे सही था। सेकंड हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स द बैन ऑन द यूज़ ऑफ द वाइल्ड एनिमल फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट इन द सर्कस, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारे पास का आंसर क्या हुआ, सी आंसर हुआ, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप बात करोगे तो चलो प्रीडेसर ऑफ द बौद्धिज्म अंडर द बौद्धिज्म, जो प्रीडेसर जो थे हमारे पास उसके बारे में बात चल रही है, तो कसापा बुद्धा उसे कहते हैं, कसापा बुद्धा, और जो बाद के होते हैं उन्हें कहते हैं हम मत्रिया, मत्रिया, कसापा बुद्धा और मत्रिया दो तरह की चीज़ होती हैं। बुद्धा जो है, अच्छा बुद्धा की जो किताबें हैं वो तो तथागत भी कहते हैं, अच्छा तो उसका आंसर क्या हुआ, बुद्धा के अगर बौद्धिज्म से पहले के अगर तुम देखोगे तो प्रेसिडेंस के अंदर, तो आंसर है कसारा बुद्धा, तो 18 में का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द खजुरोहो स्कूल ऑफ द आर्किटेक्चर, खजुरोहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में अगर आप बात करोगे तो दिस टेम्पल ओनली द एक्सटेंशन वॉल बाय द लेविश डेकोरेटिंग फॉर द क्रेविंग, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई इसकी जो इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल है वो ज़्यादा लेविश थी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही थी। द टेम्पल मेड ऑफ द सैंडस्टोन, ये भी सही है, अच्छा इट इज़ बिलोंग टू द जैन एंड हिंदुज़म, ये भी सही है, तो खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो हिंदू और जैनिज़म दोनों से रिलेटेड है और सैंडस्टोन से बना हुआ है, सही है। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ 2 and 3, सी आंसर हुआ इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते रफेल फाइटर जेट पे, इट इज़ अ सिंगल इंजन, गलत है, डबल इंजन है और मल्टी रोल कम्बैट
एयरक्राफ्ट, सही है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। इट हैज स्कैपल SCALP द एयर टू ग्राउंड क्रूशियल मिसाइल विद द रेंज ऑफ 300 किलोमीटर, ये सही है। द एयरक्राफ्ट इज फिटेड विद द ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होता है जिसमें पेट्रोल भर दिया जाता है चल चलते, ठीक है। तो आंसर हुआ 2 और 3, तो 20वें का आंसर हुआ हमारे पास सी, ठीक है। 21 पे चल लेते हैं, चलो। विच ऑफ द क्वेश्चन विच इज द स्टार्टिंग रिगार्डिंग द पुतल नच्चा, पुतल नच्चा क्या है? एक तरह का पपेट शो है, आर जनरली मेड ऑफ द वुड एंड विदाउट एनी जॉइंट, विदाउट एनी जॉइंट गलत है, इसमें ना वुड भी होता है और ये जॉइंट भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। इट इज ट्रेडिशनल रोड पपेट डांस इज अ बंगाल उड़ीसा असम रीजन, हाँ सही है, ये बंगाल उड़ीसा असम रीजन के अंदर भी चल रहा है आजकल। तो परफॉर्मेंस इज कम्प्राइज बाय द म्यूजिकल ट्रॉप, ये भी सही है। तो 21 का आंसर आप देखोगे तो 2 और 3 आंसर है इसका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबसेक्ट अंडर द बौद्धिज्म, सबसेक्ट अंडर द बौद्धिज्म क्या है? जब बुद्ध मर गए थे तो उनके बाद जो उनका संघ है दो में टूट गया था, सतिवारा और दूसरा महासमीघा का, तो दो में टूट गया था, तो उसके पार्ट है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट अंडर द बौद्धिज्म, महासमीघा, गोकुला, हेमावतीका, सिद्धार्थिका, ये चारों के चारों हैं, ठीक है। और ये चारों जो है ना, ये सारे के सारे जो भी हैं, ये महासमीघा का है पार्ट है, चलो ठीक है। थोड़ा सा रटने वाले थे वो टॉपिक तो है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द विसारा स्कूल ऑफ द आर्किटेक्चर, विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को अगर आप देखोगे ना, तो विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को ही हम कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, पहली बात तो कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हम विसारा स्कूल को कहते हैं। तो इट इज़ अ कम्बाइंड फीचर ऑफ द नगारे स्कूल एंड ट्रेविडियन स्कूल, ये सही है, फर्स्ट हमारा सही है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द नगारे स्कूल इन द कर्विलीनियर शिकारा एंड स्क्वायर बेस ऑफ द विसारा टेम्पल, ये भी सही है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रेविडियन स्टाइल इज अ सींग इन द इंटरेक्ट क्रेविंग एंड कल्चरल एंड डिज़ाइन विमाला एंड स्टेप ऑफ द ट्रेसी शिकारा एंड विसारा टेम्पल, सही है। थोड़ा सा ना रटने वाला पार्ट है। तो आप विसारा के स्कूल के बारे में बात करोगे तो पहली बात तो ये है कि एक तो कर्नाटका स्कूल आर्किटेक्चर से कहते हैं, दूसरी बात क्या है, ये हाइब्रिडाइज स्टाइल है, क्योंकि ये दोनों मिलके बनाए, नगारा से भी और दूसरे ड्रेविडियन से भी, ठीक है। विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जांपल आप देखोगे तो चाणक्य है, चाणक्य बदामी एंड कल्याणी है, दूसरा राष्ट्रकूट आता है, एंड एक और है हुसाला डायनेस्टी, ये तीनों के तीनों जो हैं ये विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बने हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 का आंसर देखोगे तो डी आंसर है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं। इट इज़ एम टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, सही है, फ्रॉम द प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल लेवल विद द 100% GEP विद बाय 2030 तक, 2030 तक ये होना चाहिए, ये है इसका आंसर। सेकंड है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, दूसरा पढ़ते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ द इंडिया है सेटअप सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द इंटायर एजुकेशन सिस्टम एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के एक नया पूरा सिस्टम बनना है जो एक अलग एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसका नाम है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत। थर्ड पे आते हैं, द पॉलिसी हैज इम्फेसाइज द मदर टंग लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज ऑफ द मीडियम ऑफ द एटलीस्ट टिल ग्रेड 5, ये सही है कि इस पॉलिसी ने यह कहा है कि मदर टंग पे भी ध्यान दिया जाएगा जो 5 साल तक के बच्चे, 5 साल तक कम से कम ग्रेड 5 तक। तो उसका आंसर ओनली थर्ड हुआ ना, बी हुआ। शैडो पपेट पे बात करते हैं, देखो शैडो पपेट वैसे तो अभी ख़त्म हो चुका है पर लेकिन आजकल चल रहा है, आजकल क्या मतलब शैडो पपेट ख़त्म हो चुका है पर लेकिन थोड़ा बहुत है इसका रोल अभी आज भी, ठीक है। चलो, द शैडो पपेट एंड द 3-डायमेंशनल फिगर कट ऑफ द लेदर, ऐसा तो नहीं है, फ्लैट फिगर है। द शैडो इज़ अ प्लेस्ड ऑन द वाइट शीट विद द लाइट फॉलिंग बिहाइंड देन क्रिएटिंग द शैडो ऑन द स्क्रीन, ये सही है, सेकंड सही है। रविचारिया इज़ अ थियोरटिकल शैडो पपेट्स इन द उड़ीसा रीजन, ये सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हुआ, 25 का आंसर डी है, ठीक है। अच्छा, महायान बौद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। महायान बौद्धिज्म तो वो वाला बौद्धिज्म है जो लेटेस्ट बोली था बौद्धिज्म है, ठीक है। महायान बौद्धिज्म के अंदर क्या होता है, इसे ग्रेट व्हीकल भी कहते हैं, न्यू है, रीबर्थ पे काम करता है, ओरिजिन इमेज वर्कशिप है, कंसेप्ट ऑफ द बोध तत्व है, संस्कृत लैंग्वेज एक्सेप्ट की थी, इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लोटस सूत्रा एंड महावर्षमा है,
ठीक है, अगर अब चलो तो पहला क्या है इसके अंदर, इट मीन द ग्रेटर व्हीकल, सही है। महायान स्कॉलर प्रोमिनेंटली यूजिंग द संस्कृत लैंग्वेज, ये भी सही है। अशोक एम्पायर इज ए पैटर्नाइज द महायान, नो गलत है, हीनयान। अशोक पहले का था ना, तो स्टार्टिंग में कौन था, हीनयान था, तो हीनयान को पैटराइज करता था ना कि महायान को। तो 26 को आंसर हुआ 1 और 2, तो ऑप्शन हुआ 1। अच्छा, पल्लवा डायनेसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो पल्लवा डायनेसिटी जो है हमारी, मैं पल्लवा डायनेसिटी में बताता हूँ आपको, ये पल्लवा डायनेसिटी का मतलब क्या है कि जो टेम्पल है ना, टेम्पल जो बने थे उस टाइम पे कहाँ पर, साउथ के अंदर। टेम्पल जो साउथ के, चार तरह के बने थे। पहला है महिंद्रा ग्रुप। पहला महिंद्रा ग्रुप में क्या था कि जो टेम्पल थे वो रो कट थे, टेम्पल थे पहाड़ी को काट के जो टेम्पल बना दिया करते थे। उसके बाद आया था नरसिम्हा ग्रुप। नरसिम्हा ग्रुप के अंदर जो टेम्पल थे उनको थोड़ा छोटे और बड़े बनाए गए, और मतलब डेवलप्ड हुआ सेकेंड स्टेज में। तीसरा है राजा सीमा ग्रुप। थर्ड स्टेट के अंदर क्या हुआ कि टेम्पल और अच्छे बनने लग गए, शोर टेम्पल एंड द शोर टेम्पल बना, फिर कैलाशनाथ टेम्पल बना कुचीपुरम के अंदर। तो ये राजा सीमा के, राजा सीना ग्रुप के पार्ट है। फिर लास्ट में है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन में क्या हुआ कि टेम्पल छोटे छोटे बनने लग गए, और उसके बाद जो पल्लवा डायनेसिटी ख़त्म हुई और फिर चोला आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, चोला को हम ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये बड़ी कहानी थी। अब जरा इसको सुनते हैं। अब पहला पढ़ते हैं, द टेम्पल बिल्ड अंडर द नरसिम्हा वाज़ द बेसिकली रॉक कल्ट। मैंने क्या बताया कि आपको रॉक कल्ट जो था नरसिम्हा के अंदर नहीं था, वो महिंद्रा ग्रुप में था। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं, अंडर द महिंद्रा ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ द रियल स्ट्रक्चर, गलत है ना। महिंद्रा के अंदर रॉक कल्ट था, तो उसका आंसर हुआ डी। फर्स्ट लास्ट तो अभी गलत, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHP। देखो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंदर में आता है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट इज इन द 2018 एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ द HDG। ठीक है, ये HDG का प्रोग्राम है और 2030 तक ख़त्म करना है। पहली बात तो ये हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। पहला पढ़ते हैं, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कवरिंग द एंटायर गैमेट फ्रॉम द हेपेटाइटिस ABCDE, सही है। सेकंड है, इट इज़ ए एम टू कंबाइन एज ए कॉम्पैक्ट हेपेटाइटिस एंड अचीविंग द कंट्री एंटायर द एलिमिनेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बाय 2013। मैं बताया दिया मैंने आपको 30, तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ सी। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए यूजली परफॉर्मेंस, बोलते हुए परफॉर्मेंस किया था कौन सा है, वो तो सिंपल ही है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, जिसमें ना बोलने पर परफॉर्मेंस होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्पेस सिंबल अंडर द जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर में कुछ दिए गए हैं, इसके बारे में बात चलती है। पहला है स्वस्तिका। स्वस्तिका क्या, इट इज़ अ सिग्निफिकेंस पीस एंड वेल बींग ऑफ द ह्यूमन, तो ये तो नाम से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, नंदावर्तिया द माइनर द मिरर विच रिफ्लेक्ट द इनर सेल्फ, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ लार्ज स्वस्तिका विद द 9 एंड पॉइंट। अच्छा, नंदावर्तिका का मतलब होता है कि ज़्यादा अच्छा वेल बींग होना, तो सेकंड तो गलत हो गया। बहादुर शाना, बहादुर शाह थर्ड है, फोर है, बहादुर शाना ए थ्रोन विच इज सेट टू बी सेक्रीफाइड बाय द जन्ना फीट, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड बी आंसर हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर 2। ये टेस्ट हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 31 पे तब चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुंडा आर्किटेक्चर। देखो ये वाला जो टेस्ट है थोड़ा सा ना रटने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मुंडा आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, तो मुंडा इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चर अडोप्टेशन टू द एनवायरमेंट, सही है। सेकंड है द हिंडोला माहौल लुक्स लाइक रेलवे विडक्ट ब्रिज विद डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज बटरलेस सपोर्टिंग द वॉल, सही है हमारे पास। मंदू वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द गोरा डायनेसिटी, ये भी सही है। तो 31 का आंसर देखोगे तो 1, 2, 3 तीनों सही है, आंसर इसका डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल फॉरेस्ट आर्किटेक्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA जो भी 2020 में है उसके बारे में बात चलती है। तो इट इज़ हैज़ बीन रिलीज्ड आउट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कह रहा है यूनाइटेड नेशनल के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशनल का FAO है, ये वो रिपोर्ट निकालता है, कौन सी, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट, सही है इसका आंसर। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड इंडिया शो द डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट कवर, देखो ये तो कभी हो भी नहीं सकता,
फॉरेस्ट को तो हमेशा हम बढ़ा ही रहे हैं, तो इस बार जो फॉरेस्ट हमारा इंडिया ने जो रिपोर्ट करा है वो है 0.38% बढ़ा है, ठीक है, तो ये गलत है। तो सेकंड तो गलत हो गया हमारे पास। थर्ड है हमारे पास कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो होता है फॉरेस्ट्री के अंदर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन देता है, तो इन्होंने कहा है कि ब्राज़ील दे रहा है, जबकि कौन दे रहा है हमारे पास, इंडिया दे रहा है। तो इंडिया रिपोर्टेड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट सेक्टर इन द वर्ल्ड, तो थर्ड का जो आंसर है वो भी गलत है, फर्स्ट गलत है, तो उसका फर्स्ट सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है, तो उसका वेलकम टू माई चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 40 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ डांस है और एक तरफ है प्रैक्टिस कहाँ करी जाती है। तो पहली बात है हमारे पास कोलकाली, तो कोलकाली डांस सबसे मशहूर है, पता ही आपको, लक्षद्वीप के अंदर होता है। दूसरा है बाहू, बाहू हमारा असम के अंदर होता है। एक है हमारे पास काई कोटी काली हमारे पास कर्नाटका का नहीं है, केरला का है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हुआ, थर्ड गलत हुआ, तो 41 का आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जोरास्ट्रियनिज्म, तो पहला है द रिलीजन, दिस रिलीजन हैज़ इट इज़ ओरिजन इन पर्शियन बाय जोरास्त्रा अराउंड 67 AD। देखो 67 AD नहीं है, BC है। तो ये जो रिलीजन बनाया था ये तो जोरास्त्रा ने बनाया था, पर लेकिन 67 BC के अंदर, ना कि AD के अंदर, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड हमारे पास दे आर मोनोथेसिस्टिक रिलीजियन हु बिलीव इन वन एटर्नल गॉड हुज नेम इज़ अहुरा मजद, ये भी सही है। दे वर्कशिप फायर बट आल्सो कंसिडर एयर वाटर अर्थ टू बी स्केयर्ड एलिमेंट, तो 42 का आंसर सेकेंड और थर्ड तो सही हुए, फर्स्ट गलत हुआ, तो 42 का आंसर हुआ सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलोगे तो कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बौद्धिस्ट टेक्स्ट वर द रिटन इन संस्कृत, इनमें से कौन सा संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। महावस्तु लिखा गया है, ठीक है। इसके अंदर लोकवर्ध्य स्कूल जो है बौद्धिज्म को, उसके बारे में बात की गई थी। ललिता वस्त्रा सूत्रा, ये भी संस्कृत में लिखा गया, ललिता वस्त्र सूत्रा महायान बौद्धिज्म के बारे में था। बुद्धा चरित्रा, ये भी संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बताई गई है। तो 43 के बारे में 1, 2, 3 देखोगे तो उसका आंसर डी आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर में पूछा भी जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इधर हमारे पास ट्राइब्स हैं, इधर हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, वो हैं मिसिंग ट्राइब्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, असम के अंदर पाए जाते हैं। टोडास कहाँ पाए जाते हैं, देखो टोडास अब तमिलनाडु के अंदर, ना कि तेलंगाना के अंदर। बीरू कहाँ पाए जाते हैं, बीरू जो हमारे पास है वो यहाँ पे तो नहीं पाए जाते, सिक्किम में नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं त्रिपुरा के अंदर। तो फर्स्ट हमारा सही हुआ, सेकंड और थर्ड हमारे पास गलत हुए, तो 44 का आंसर है ए, तो उसका आंसर कितना हुआ, डी आंसर हुआ, ठीक है। फोल्क डांस के बारे में बात करते हैं। फोल्क डांस हमारे पास जो है वो है अलकाप इज मेनली परफॉर्म्ड सोलो, गलत है। अलकाप मेनली सोलो नहीं किया जाता, ग्रुप में होता है। जो सोलिप किया जाता है वो है मटकी एक तरह का डांस होता है जो सोलो परफॉर्म करता है, ठीक है। विच बैलेंसिंग नंबर ऑफ द अर्थिजन पोर्ट्स ऑन द हेड, तो उनको पोर्ट्स को सिर पर रख के नाचते हैं और वो सोलो डांस होता है, वो अलकपा नहीं है, वो है हमारे पास मटकी। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड है द डांसर आर आर्म्ड विद वुडन स्पेयर्स एंड शील्ड इन काला डांस, तो ये सही है। थर्ड हमारे पास क्या है, गोर मरिया इंटीमिडेट्स द मूवमेंट्स ऑफ ए बेसन इज़ परफॉर्म्ड इन द ग्रुप बाय द बोथ मैन एंड वुमेन, ये भी सही है। तो 45 का आंसर हुआ 2 and 3, फर्स्ट गलत हुआ, ठीक है। चलो 46 पे चलते हैं। Which of the following places are visited by the Gautam Buddha? गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी गए थे, सही है। सरस्वती भी गए थे, ये भी सही है। राजगिरी गए थे, ये भी सही है। और वाराणसी भी गए थे, ये भी सही है, ठीक है। तो चारों जगह हो चुकी हैं, चारों जगह, तो 1, 2, 3, 4 चारों आंसर हो गए, ठीक। तो 46 का आंसर डी हो गया। ब्रुहू मल्टो कोरुका लैंग्वेज कह रहे किससे बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो गया इसका, तो बी आंसर हो गया, ड्रेविडियन हो गया, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन द लैब इन द मिमिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम टू काउंटर द इन्फेक्शन. ये भी सही है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज टू ट्रीटमेंट मैनी डिसीज इंक्लूड मैनी टाइप्स ऑफ द कैंसर. ये भी सही है. तो 48 का आंसर वो सी आंसर हो गया. सिंपल है तो क्वेश्चन. 48 का आंसर सी हो गया. अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 ये पेपर में भी आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द एंशंट इंडिया अलाउ द डिवोर्स टू द वाइफ हैज़ बीन डिसल्टेड टू द हर हस्बैंड. तो अर्थशास्त्र है इसका आंसर. तो 49 का आंसर डी हो गया. सिंपल. 50 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिएचर्स आर जनरली डिजाइंड एट कुलहाड़रा ग्रुप. कुलहाड़रा ग्रुप के बारे में अगर आप देखोगे तो चुरनपन चसाका सही है. 50 वर्सेस ऑफ द थीफ ऑफ बलिहान ये भी सही है. गीत गोविंद ये भी सही है. रगमाला ये भी सही है. तो 50 का आंसर डी हो गया. देखो याद करने वाले क्वेश्चन है ये. अब आपको याद होंगे तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे. तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हार्ड भी दिए हुए हैं तो डोंट टेक टेंशन. 51 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज इन द इंडिया. हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज. देखो हिंदी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है ना कि नेशनल लैंग्वेज है. आर्टिकल 343 में देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी यूनियन की हैं वो हिंदी है. हिंदी इन द स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश. ठीक है तो फर्स्ट तो गलत हो गया. सेकंड पढ़ते हैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी अडोप्ट बाय द स्टेट शैल वन ऑफ द दोस लिस्ट इन द 8th शेड्यूल. नहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने अगर कि स्टेट आर फ्री टू अडोप्ट इट. द लैंग्वेज टू बी अडोप्टेड बाय द स्टेट नीड नोट टू वन ऑफ द लिस्ट इन द 8th शेड्यूल. पहली बात तो फ्री जो है स्टेट फ्री होता है और उसको अगर वो कोई लैंग्वेज को अडोप्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो 8th शेड्यूल के अंदर बताई जाए. ठीक है तो सेकंड भी गलत हो गया. रिसेंटली इंग्लिश हैज़ बीन एडेड. इंग्लिश कभी ऐड नहीं हुआ. हमारे पास 22 ओरिजिनल लैंग्वेज हैं अगर आप देखोगे तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है पर लेकिन 8th शेड्यूल के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है पर लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है. ठीक है तो 1, 2, 3 तीनों आंसर गलत हो गए. 51 का आंसर नन होगा. सक्तिंग तो सक्तिंग ये तो पता है आपको. सक्तिंग कहाँ पर है. सक्तिंग एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये भूटान के अंदर है पहली बात तो. ठीक है तो इसका आंसर मिजोरम नहीं है असम नहीं है अरुणाचल प्रदेश नहीं है. डी आंसर नन ऑफ दिस हो गया. 52 का डी आंसर हो गया. फोक डांस के बारे में बात चल रही है. तो विच ऑफ द करुवंज इन द तमिल फोक थिएटर रिवॉल्व्स अराउंड द लव स्ट्रक हीरोइंस. ये भी सही है. ये सही है. नकाल इज अ मिमिक्री बेस्ड इन पंजाब. तो फोक थिएटर के अंदर 1 और 2 दोनों सही आंसर सी होगा इसका. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 मैच द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ द पेंटिंग विद मेजर फीचर्स. चूका पटाका आइसोलेटेड फ्रॉम ड्राइंग एक तरह की. डिघाला पटाका आइसोलेटेड पेंटिंग नहीं गलत है. ये जामा पटाका लॉन्ग स्क्रोल ऑफ पेंटिंग ये भी गलत है. तो 54 का आंसर ना एक आएगा फर्स्ट आंसर. ठीक है चलो थोड़ा सा रटने वाले क्वेश्चंस तो हैं ये. 55 पे अगर आप आओगे तो लिटरेरी वर्क्स अगर आप देखोगे ऑथर देखोगे पंचतंत्रा तो विष्णु शर्मा का है पहली बात तो फर्स्ट का तो आंसर गलत ही हो गया. हिपोपतासा मन नारायण पंडित का है तो फर्स्ट और सेकंड के दोनों उल्टा लिखा हुआ है. अष्टाधाई पिनानी का ये सही है. तो 55 का आंसर सी हो गया. 55 का आंसर सी हो गया. फर्स्ट और दोनों उल्टे लिखे हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द क्वाइलेटर सिक्योरिटी डायलॉग्स QHD. तो QHD के अंदर हमारे पास 4 देश हैं पता ही होगा आपको. इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया है जापान है तो इसके अंदर क्या है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो कौन कौन से पार्ट है. फर्स्ट एंड 1 और 4 हो गया. USA हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. तो फर्स्ट और फोर्थ हो आंसर हुआ इसका. फर्स्ट और फोर्थ आंसर हो गए तो आंसर बी हो गया इसका आंसर. ठीक है कौन कौन होते हैं. इंडिया है USA है ऑस्ट्रेलिया है और जापान है. चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ कार्नेटिक म्यूजिक. तो इट एडर्स टू टाइम गलत है. इट इंडिजीनियस इन नेचर ये सही है. इंस्ट्रूमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वोकल गलत है. अलग अलग वोकल तरह के अलग अलग वोकल्स पे काम करता है ये कार्नेटिक म्यूजिक. तो 57 का आंसर
तो ये गलती हो गया। 57 का आंसर कितना हो गया? ओनली ए आंसर हुआ ना, क्योंकि इंडिजीनियस इन नेचर है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉक पेंटिंग। द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑफ द रॉक पेंटिंग वॉज मेड इन इंडिया बाय द आर्कोलॉजिकल आर्चिबॉल्ड कार्लरी। सही है। द केव्स ऑफ भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय एनिमेटेड आर्कोलॉजिकल वी एस वनकारा। ये भी सही है। तो 58 का आंसर 1 और 2 हो गए। रटने वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं इस बार इन्होंने। 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत पीरियड्स आर रिटन बाय किंग हर्षवर्धन। इनमें से किसने हर्षवर्धन ने लिखा? तो उरुभांगा, उरुभांगा तो नहीं है, उरुभांगा तो ब्यास ने लिखा था, ब्यासा ने। रतनवाली, रतनवाड़ी लिखी है। और अमुकुत मालिकता, ये भी एक पिक एक तरह की तेलुगु की है, कृष्णवर्धन ने लिखी थी, तो ये इसने नहीं है। तो 59 का आंसर क्या हुआ? ओनली 2 हुआ ना, रतनवाड़ी, रत्नावाड़ी आंसर हुआ इसका। ठीक है, 59 का आंसर सी हो गया। 60 पे चलते हैं आप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रविंद्रनाथ टैगोर। तो ही वॉज क्रेडिटेड फॉर सोसाइटी ऑफ इंडियन ओरिएंटेड आर्ट। सही है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क अराउंड द हिंदी फिलोसफी, ये भी सही है। और अरविंदर स्टार्टेड इंटीग्रेटेड चाइनीज जापानीज एंड कैलीग्राफी ट्रेडिशन इन टू हिज स्टाइल, ये भी सही है। इसमें क्या सब बढ़िया है। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन जो रविंद्रनाथ टैगोर का है आर्ट और कल्चर के लिए, वो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ही फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट एंड लेटर वेंट टू द स्टेबलाइज द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। पहले उन्होंने बनाई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उसके बनाई थी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया सारा। और उनका जो सारा ज़्यादातर काम है हिंदू फिलोसफी पर काम करा गया है। और कैलीग्राफी, उनकी कैलीग्राफी जो है वो उसके अंदर जो लिखते थे चाइनीज़ और जापानीज़ की कैलीग्राफी का ट्रेडिशनल दिखा करता था। तो 60 का आंसर क्या होगा आप देखोगे? तो 1, 2, 3 तीनों आंसर हो गए। अच्छा, तो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 60 क्वेश्चन। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं यहाँ पर मैं इसमें कुछ ना कुछ रोज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के नोट्स डालता हूँ, जो मेरे अपने नोट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव क्वालिफाइड प्री एग्जाम 2 times, तो आई एम शेयरिंग माई नोट्स विद यू थ्रू दिस चैनल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके नीचे एक हमारा पोर्टल है, टेस्ट पोर्टल, आप उसमें टेस्ट दे सकते हो। आप अभी टेस्ट जो है इसके अंदर पॉलिटी के टेस्ट आए हुए हैं, पॉलिटी का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करो, अपना इसमें मेल बेस वेरिफिकेशन है, आप उसके अंदर खोलोगे तो आपको पॉलिटी के टेस्ट दे सकते हो। पॉलिटी के टेस्ट हमारा 36 टेस्ट है। 36 टेस्ट के अंदर जो हर चैप्टर वाइज हैं, जैसे अमेंडमेंट में कितने क्वेश्चन आए आज तक, एक्ट में कितने क्वेश्चन आए, प्रेजिडेंट में कितने हैं, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेकार है। और दूसरी बात, आपको ये मालूम पड़ेंगे किस तरह क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो वो टेस्ट देने से आपको बहुत बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो वो आप टेस्ट ज्वाइन कर लो, आपका पूरा का पूरा टेस्ट फ्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तापा। तो पहला पढ़ते हैं। रिदम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द कंपोजिशन आर बेस्ड ऑन द फास्ट एंड सबलेट एंड कनॉट कंस्ट्रक्शन। सही है। इट गेन लेटिमेसी एज द सेमी क्लासिकल वोकल स्पेशलिटी वंस एट द ब्रॉड टू द मुगल कोर्ट ऑफ द एम्पायर मोहम्मद शाह। ये भी सही है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ कैमल रेडर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये भी सही है। तो देखो, तापा के बारे में आपको ना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पहले से। तो 1, 2, 3 का आंसर है, 61 का आंसर है डी। चलिए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अच्छा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजंता, अजंता पेंटिंग से रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया भी हुआ है। तो पहला है, अजंता केव्स वर कर्व्ड इन 4th century AD आउट ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स। सही है कि इसमें ये 4th century में बनाया गया था। सही है। द वॉल ऑफ द केव्स हैव इन बोथ मोरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग। ये भी सही है। थर्ड है, द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग इज डैट ऑल फीचर फीमेल्स हैविंग द सेम स्टाइल। ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सबका स्टाइल जो है सेम है, ये गलत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स आर शोइंग विद इमोशन। इसके अंदर बर्ड्स और एनिमल का इमोशन भी शो किया गया है। एंड कॉमन थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग रेंज फ्रॉम द जकार्ता स्टोरी टू टेल्स द बुद्धा टू एलिब्रेट द डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ द फ्लोरा एंड फना। इसमें क्या है कि बुद्धा की लाइफ की स्टोरी के बारे में भी बताया गया। किसके अंदर? अजंता पेंटिंग के अंदर। इसके अंदर बर्ड्स भी हैं, एनिमल भी हैं, डेकोरेटिव भी करा है फ्लोरा फना को। ठीक है, इसमें जो आउटलाइन है फिगर्स की, वो रेड ऑर्चिस से बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। रेड कलर का यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, डीप रेड कलर का यूज़ किया गया है आउटलाइन कराने के लिए। तो क्या बताया गया इसके अंदर? बुद्धा की लाइफ स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताया गया है, इमोशंस बताए गए एनिमल एंड बर्ड्स के। ठीक है, तो अगर आप देखो, थर्ड हमारा गलत हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड सही हुआ। तो 62 का आंसर है ए।
बुद्धा टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस बुद्धा बोधिश टेक्स्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास द विशुद्धिमागा वाज रिटन बाय बुद्धा गोशा, सही है इसका आंसर। सेकेंड है हमारे पास उद्नावागा कंटेनिंग यूटेंसी ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसिप्लिन वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये गलत है। अभिधर्मा कोशा कंटेनिंग फेमस स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन ऑफ एंड ब्लाइंड मैन एंड एलिमेंट एलिफेंट, तो ये गलत है, ये भी इसके अंदर गलत है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, वो एक डिस्कशन की स्टोरी थी इसके अंदर बोधिस की। तो फर्स्ट सही है, सेकंड एंड थर्ड दोनों दोनों गलत होगा। 63 का आंसर हुआ हमारा ओनली ये, तो बी आंसर हुआ इसका। तो देखो ये क्वेश्चन अटने वाले हैं, ये थोड़े से हार्ड ही क्वेश्चन है कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSO के बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सेकेंड है द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल HSC इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ CSO, ये भी सही है। रिसेंटली पब्लिक ऑफ नेपाल बिकम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। अभी जो रिसेंटली जो जिन्होंने करा है ना, वो नेपाल वेपाल ऐसा तो कुछ नहीं है, नेपाल तो नहीं है इसमें। है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक है ना, इन्होंने ज्वाइन करा है। उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन करा है पर नेपाल ने ज्वाइन नहीं करा। तो 64 का आंसर है 1 and 2, 3 गलत हो गया, ये आंसर है इसका। गजल, गजल के बारे में बात करते हैं। इट इज़ सेड टू ओरिजिनेटेड इन गजनी अफगानिस्तान, गलत है, ईरान में ओरिजिनेटेड हुई थी। गजल वाज ओरिजिनेटेड इन ईरान, तो फर्स्ट गलत हो गया। गजल स्प्रेड इन साउथ एशियन 12th century ड्यू टू द इन्फ्लेशन ऑफ सूफी, हाँ सूफी ने गजल को फैलाया था, ये तो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरमलाई केव पेंटिंग। अरमलाई केव पेंटिंग है कहाँ पर, पहले ये बताओ, तमिलनाडु में, पहली बात। आगे बढ़ते हैं। दिस नेचुरल केव पेंटिंग कन्वर्टेड इनटू द हिंदू टेंपल इन 8th century, गलत है, जैन टेंपल है इसका आंसर। फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड पढ़ते हैं। द पेंटिंग डुप्लीकेटेड टेल्स अबाउट द अस्थिका पलाज एंड द जैनिज्म, ये सही है। तो 62 का आंसर हुआ सेकंड, ठीक है। चलिए 67 पर चलते हैं हमारे पास। पोना पंपा और राणा वाजा कंसिडर एज अ त्रिरत्न, तो ये किसके में कन्नड़ लिटरेचर के, तो 67 का आंसर हो गया सी, ठीक है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG के बारे में बात चली गई है। तो फर्स्ट है हमारे पास के अंदर, इट मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ द इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन ICE, ये सही है। इट रिड्यूस द एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गए, इसका आंसर है सी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल मास्टर वर एम्प्लॉयड एंड पैटर्नाइज्ड बाय अकबर। अच्छा, तो जो अकबर के साथ जो पैटर्नाइज थे वो कौन कौन थे, गोपाल दास था, तानसेन भी था, छज्जू खान नहीं था है ना, गोपाल दास था। तो कौन कौन से थे अगर आप देखो तो, गोपाल दास था, स्वामी हरिदास था, तानसेन थे, और बस ये तो थे ही थे, ठीक है। तो 67 का आंसर 1 and 3 हो गया आंसर, तो ए आंसर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिपिकाशी पेंटिंग। लिपिकाशी पेंटिंग कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो द मुरल पेंटिंग वर एग्जीक्यूटेड ऑन द वीरभद्रा टेम्पल वॉल्स ऑफ द लिपाकेशी, सही है। द पेंटिंग शो द डोमिनेंसी ऑफ द वेलकम टू माई चैनल, दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 70 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ द लार्ज नंबर कैन बी फाउंड इन टेक्स्ट आर्यभट्टिया, सही है। सेकेंड है हमारे पास, द संस्कृत नेम ऑफ जीरो डॉट इज शून्य बंधु विच क्लियरली स्टेट डेट सबुधाया वसुदत्ता, सही है, ये भी सही है। तो 71 का आंसर 1 and 2 दोनों सही हैं। किस वसुदत्ता की बुक के अंदर भी बताया गया था जीरो के बारे में, और आर्यभट्ट के अंदर बताया गया था क्यूब और स्क्वायर के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली लॉन्च ध्रुव वस्त्रा के बारे में, तो कुछ दिया स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM सिस्टम, सही है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो गया, 72 का आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। संगीत नाटक अकेडमी से दिया हुआ रिलेटेड, फर्स्ट है इट वॉज द नेशनल अकेडमी सेटअप फॉर आर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952, सही है। इट हैज़ स्टेबलाइज सेवरल इंस्टीट्यूशन लाइक मणिपुर डांस अकेडमी एंड सतीरिया सेंटर, ये भी सही है।
इट गिव्स ग्रांट टू एड रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन पब्लिशिंग इन द परफॉर्मेंस आर्ट. ये भी सही है. तो 73 का आंसर 123 हो गया. आंसर इसका भी ठीक है. 74 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंटिंग अंडर द शाहजहाँ. शाहजहाँ के बारे में. ही स्टेबलाइज्ड अ फॉर्मल डिस्ट्रिक्ट स्टूडियो कोड तस्वीर खाना. तस्वीर खाना तो अकबर ने बनाया था, ना कि शाहजहाँ ने. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. शाहजहाँ लाइक द सर्टेन आर्टिफिशियल एलिमेंट इन द पेंटिंग. ये भी सही है. ही ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग. ये भी सही है. तो 2 and 3 आंसर हो गया. 74 का आंसर सी हो गया. 75 पे चलते हैं. 75 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिटीज डू सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल. टोडास तो नहीं बनी बनाते, बदागास भी नहीं बनाते एंड सोलीगास भी नहीं बनाते. इनमें से कोई आंसर नहीं है. इसका आंसर झारखंड के अंदर मुंडा बनाते हैं, ठीक है, ओरोनो बनाते हैं, हो वाले जो होते हैं झारखंड के अंदर वो बनाते हैं. तो 75 का आंसर नन हुआ. इनमें से कोई नहीं बनाता, ठीक है. चलिए 76 चलते हैं. काकापारा एटोमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? ये तो पता ही होगा आपको, गुजरात के अंदर है. तो आंसर हो गया सी. 77 पे चलते हैं. ए कम्युनिटी ऑफ द पीपल कोल्ड मनीगारा इज अ वेल फोन नोन फॉर म्यूजिक ट्रेडिशनल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. आंसर इसका बी, मनीगनियारा. तो जो मनीगनियाराज हैं, चलते हैं. कम्युनिटी ऑफ द पीपल कोल्ड मनीगियाराज इज अ वेल नोन फॉर देयर. आंसर ए है, मर्तियल आर्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. गलत है. सेकंड है हमारे पास म्यूजिकल ट्रेडिशनल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ये सही है. तो 77 का आंसर के बी. 78 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भोसाला स्कूल. तो फर्स्ट है द पेंटिंग रिगार्डिंग द परियारा स्कूल इन 17th सेंचुरी आर कॉल्ड भोसाला स्कूल. सही है. द करेक्टरिस्टिक फीचर्स वाज एक्सप्रेसिंग फेस एंड रिसेंडिंग हेयर लाइन एंड बिग आइज डेट आर शेप्ड लाइक लोटस पेटल. ये भी सही है. द फर्स्ट पैट्रोन ऑफ द स्कूल वाज राजा किरणपाल सिंह. सही है. तो 78 का आंसर है 123. आंसर इसका डी. थोड़ा सा टने वाले क्वेश्चन है सारे. क्वेश्चन नंबर 79. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स. रुमाल केरला. सही है. कसूती गुजरात के अंदर पाया जाता है. सही है. भवानी महाराष्ट्र में पाया जाता है. ये भी सही. तो 79 का आंसर हो गया. 1, 2, 3 तीनों सही हैं. सी ऑप्शन है इसका. ये याद करने के ऊपर है भाई, जितना आपको याद होंगे उतने कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ATI एडिशनल टायर 1 बाउंड. इट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ डेबिट इशूड बाय बैंक. सही है. इट आर डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब लॉसेज इन केस द बैंक इक्विटी डिप्स बिलो द सर्टेन थ्रेशोल्ड. ये भी सही है. दे हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी. गलत है. इनका मैच्योरिटी फिक्स नहीं होता. तो 80 का आंसर 1 and 2 हुआ. थर्ड गलत है. तो उसका आंसर ए हुआ. ठीक. क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्बाला से रिगार्डिंग चलते हैं. इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्लैश ट्रैक बफेलो रेस है एनुअली इन कोस्टल ट्रैक इन केरला इन कर्नाटका में होता है कम्बाला. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. स्लैश मार्शी पैडी फील्ड इज यूज्ड फॉर कम्बाला. सही है. इट इज रिसेंटली बैंड बाय. नहीं, किसी को बैन नहीं करा. तो आंसर इसका फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गया. सेकंड है इसका आंसर. तो आंसर ए हुआ इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाजार पेंटिंग. तो बाजार स्कूल ऑफ द पेंटिंग हैड नो इंडियन इन्फ्लुएंस. हाँ सही है. ज़्यादा सुना नहीं इसके बारे में. दे मेड द पेंटर्स टू कॉपी द ग्रीक ऑफ रोमन स्टेटस. अच्छा सही है. ये भी. द स्कूल वॉज प्रिवेंटेड इन द बंगाल एंड बिहार रीजन. तो 82 का आंसर 1, 2, 3 तीनों हो गए. डी आंसर है. ये जो टेस्ट है ना, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है. इसमें याद करने का बहुत कुछ होता है. 83. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. तो सूरज कुंड पता ही है आपको, हरियाणा के अंदर आता है. अब शमलाजी फेयर कहाँ पर? गुजरात के अंदर है. और जो गाला मेला है हमारे पास राजस्थान के अंदर है. तो 83 का आंसर तो तीनों के सही हो गए. डी आंसर है इसका. तो डायरेक्ट ही आ गया. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे चलते हैं. पहला है हमारे पास द एक्ट इंक्लूड स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल स्कूल प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA टू प्रमोट एंड प्रोटेक्टेड इन्फोर्स राइट ऑफ द कंज्यूमर. ये भी सही है. सही है. द सेकेंड है द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी. ये भी सही है. द एक्ट प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन ऑफ द बायर फ्रॉम द बोथ ट्रेडिशनल बायर एंड द न्यू ई कॉमर्स रिटेलर्स. अब तीनों पढ़ोगे तो आपको तीनों से लगेंगे. तो उसका आंसर डी है. क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं. कंसीडर द रिगार्डिंग हम्पी के बारे में बात करते हैं. इट इज़ अ यूनेस्को साइट. पता ही है आपको पहले से ही. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. हम्पी इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ द 4 डायनेसिटी विजयनगर एम्पायर सिंस स्टेबलाइज इन 1336. सही है. विजयनगर एम्पायर की 4 डायनेसिटी में से एक थी ना ये हम्पी.
86 पे आता है. दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 80 क्वेश्चन. आइए क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथालिया पेंटिंग. मिथालिया पेंटिंग से रिलेटेड है. फर्स्ट है, द फिगर इन द पेंटिंग आर सिम्बोलिक, फॉर एग्जाम्पल फिश इज डुप्लीकेटेड गुड लक एंड फर्टिलिटी. सही है बिल्कुल. सेकंड में चलते हैं, द पेंटिंग आर 3 डायमेंशन. गलत है, 3 डायमेंशन नहीं. 3 डायमेंशन कैसे हो जाएगी उस टाइम पे, 2D होगी ना, तो सेकंड तो गलत हो गया. द पेंटिंग आर मेड डुप्लीकेटेड ऑस्पेरियस ओकेजन लाइक अ बर्थ मैरिज एंड फेस्टिवल. इट्स ओके. तो 86 का आंसर 1 and 3 हुआ, तो ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन. ओके, 87 में चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस लिटरेरी अवार्ड. फर्स्ट है, द सरस्वती सम्मान इज एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन पोएट्री लिटरेरी वर्क इन एनी ऑफ 22 इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सही है. द ज्ञानपीठ अवार्ड इज नॉट गिवन टू द पोस्टमसली. ये भी सही है. द व्यास सम्मान इज गिवन बाय सात्यन अकेडमी. गलत है, सात्य अकेडमी नहीं है, के बिरला फाउंडेशन है. तो 87 में का आंसर क्या हुआ, 1 and 2 हुआ, तो ए आंसर हुआ इसका. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पी स्कोरियसिस डिसीज. तो इट इज जेनेटिक स्किन डिसीज एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम. सही है. इट हाईली कॉन्टेजियस डिसीज. ये गलत है. तो 88 का आंसर हुआ ए. याद करने वाले क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर. तीरी गत्ता फर्स्ट, इसका आंसर ए. तीरी गत्ता इज बोधिस्ट लिरिक्स है, उससे रिलेटेड है. तीरी गत्ता जैन से रिलेटेड नहीं है. तो 89 में का आंसर क्या हुआ, ए हो गया. फॉलोइंग रिगार्डिंग द पिटकल पेंटिंग. पिटकल पेंटिंग इट इज प्रैक्टिस बाय ट्रिबल पीपल ऑफ मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड है. फर्स्ट गलत हो गया. सेकंड पे चलते हैं, द कॉमन थीम ऑफ द पिटकल पेंटिंग इज व्हाट हैपन टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ. ये सही है. तो 90 का आंसर हुआ बी. क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं. द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया इज अंडर द एजेंस ऑफ. ये तो सिंपल ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है. तो उसका आंसर क्या हुआ, बी आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOCSOC. इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशनल. सही है. ECOCSO इज 54 मेंबर गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड द 3 terms बाय द जनरल असेंबली. ये भी सही है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलो अप द मेजर UN कॉन्फ्रेंस एंड समिति. ये भी सही है. तो 92 का आंसर क्या हुआ, 1, 2, 3. तो ये किससे क्वेश्चन रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो 92 का आंसर हुआ, 3 हो गए. तो डी आंसर है इसका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 के ऊपर चलते हैं. 93 पे चलते हैं तो हमारे पास क्या है, गोराडास ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी है गोराडास, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है. ओजापाली असम के अंदर. सही है. करियालिया मध्य हिमाचल प्रदेश. ये भी सही है. तो 93 का आंसर क्या हुआ, 2 and 3 सही हुए. आर्ट फॉर्म है ये, तो 2 and 3 सही हुए. फर्स्ट तो गलत हो गया. तो आंसर है 2 and 3 का ए. सील के बारे में बात चलती है, तो आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सील ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन. द पर्पज ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग, जो पर्पज़ है इनका प्रोड्यूस होने का, सील का वाज मेनली कमर्शियल. ठीक है, सीलों का व्यापार करा करते थे आपस में सारी साइटों के अंदर, क्योंकि हड़प्पा की जो सील है वो पड़ी मोहनजोदाड़ो के अंदर. मोहनजोदाड़ो की सील मिली हड़प्पा के अंदर, इस तरह की चौहनदारो के अंदर अलग अलग सीलें मिली हुई हैं. तो फर्स्ट हमारा सही है. द स्टैंडर्ड हड़प्पा सील जो है 2x2 की स्क्वायर है, 2x2 की सील मिली है इंच की. ये भी सही है. और सील वार मोस्टली मेड ऑफ द स्टेटाइट. स्टेट क्या होता था, पत्थर होते थे, हार्ड पत्थर कहते हैं. तो 93 का 94 का आंसर के 1, 2, 3 तीन हो गए. ऑप्शन डी होगा इसका आंसर. होगा क्या है ही. क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR. इट इज़ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. सही है. इट इज स्टेबलाइज अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन 8060. ये भी सही है. तो 85 का आंसर हुआ सी. 85 का आंसर है सी. अब जैसे 96 क्वेश्चन है, अब देखो 96 से नॉलेज दे रहा है आपको. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. तो महिंद्रा सूरी डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यंत्रराज. सही है, यंत्रराज था ये इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, यंत्रराज था हमारे पास. दूसरा हमारे पास क्या है कि दूसरा है नीलकंठा सोमायाजी प्रोड्यूस द कॉमेंट्री ऑन आर्यभट्टा. ये भी सही है. महाराज जयसिंह ने बताया था आपको, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बनाया था दिल्ली और जयपुर के अंदर. तो क्या करा महाराज सवाय जयसिंह सेकंड ऑफ द जयपुर सेटअप द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. ये भी सही है. तो 96 का आंसर क्या हुआ, 1, 2, 3 तीनों सही हो गए. ऑप्शन हो गया इसका डी. ठीक है,
चलिए सूफिज़म पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूफिज़म। सूफीज रिप्रेजेंट द इनर साइड ऑफ द इस्लाम क्रिट। सही है। इट स्ट्रेस्ड ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड टॉलरेंस एंड राइटनेस एंड यूनिवर्सल लव फॉर ऑल। सही। सूफीज ट्राइड टू द प्योरीफाई देयर इनर सेल्फ बाय रिजिड इंट्रोस्पेक्शंस एंड मेंटल स्ट्रगल। ये भी सही है। तो 97 का आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3 तीन हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इज द फॉर्म ऑफ द विष्णु वेयर ही इज शोड रिक्लाइनिंग ऑन शिशिनागा कॉल्ड अनंता। सही है। नारा नारायण इज अ स्टोरी ऑफ द अचीविंग मोक्सा। ये गलत है। ये जो स्टोरी है ना, ये ह्यूमन सोइल और एटर्नल डाइविंग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गजेंद्र मोक्षा शो द डिस्कशन बिटवीन द ह्यूमन सोइल एंड एटर्नल डिवाना। ये गलत है। गजेंद्र मोक्षा इज अ स्टोरी ऑफ द अचीविंग मोक्षा। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड दोनों उल्टे लिखे हुए हैं पहली बात तो। तो 98 का आंसर ओनली 1 हुआ। ए मतलब ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भास्काचार्य इंट्रोड्यूस द नेगेटिव नंबर। नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। महाविचार्य इंट्रोड्यूस द चक्रवात मेथड ऑफ साइक्लिंग मेथड। ऐसा भी कभी नहीं पढ़ा। ब्रह्मगुप्ता रोड गांधी सरल संगनरा। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा। तो 99 का आंसर तीनों गलत हैं। नन आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 2 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड HDRF। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। तो 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाई था। सही है। पेस्ट अटैक्ट फायर डिजास्टर आल्सो कवर्ड इन HDRF। ये भी सही है। इट शैल यूज ओनली द मीटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग द इमीडिएटली रिलीफ टू विक्टम। ये भी सही है। तो आंसर कितना हुआ? डी हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। देखो कितनी सारी नॉलेज आपको मिल चुकी है इसके अंदर। तो आपको एक टेस्ट करना है, 2-3 दिन लगाओ, इसको अच्छी तरह याद करो, सारी वीडियोज़ को दोबारा देखो, जितनी भी चीज़ें हैं इनको नोट्स बना लो आप अच्छे अच्छे से, ताकि इनको आप याद कर सको। यही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, जो फाइनल पेपर देने जाओगे। जैसे HDRF मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड मिल जाएगा। तो इनसाइड के अंदर क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होते हैं, इसमें कम से कम 20% क्वेश्चन बेकार है पर, लेकिन 80% क्वेश्चन सही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।